और हम लोग आज जा रहे हैं बेलारूस और ये हमारा आखिरी बैच जा रहा है इस साल का। हालांकि वो साल पुराना है 20 और जा रहे हैं बच्चे 21 में, क्योंकि जैसे आपको पता है कोविड में एयरलाइन अवेलेबल ही नहीं है। तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, तो ये आज भी चार्टर्ड अरेंज हुआ यहाँ से, हालांकि इस बार डायरेक्ट चार्टर्ड नहीं है। हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे ताशकंद, और ताशकंद हम लोग रात में करीब 12:30 बजे पहुँचेंगे। सुबह वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है 8:30 की। तो बेलारूस में से बहुत बर्फ गिरी, माइनस में टेम्परेचर, तो वहाँ के अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे। बट उससे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, आज फिर से बलदेव जी को हम लोग शुक्रिया करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि बलदेव जी की वजह से आज हमारे सारे बच्चे ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग जा रहे हैं दोबारा एक ग्रुप लेके। ग्रुप की फोटो वीडियोज़ अभी आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ थी कि आखिरी तक यही था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि टिकट अवेलेबल नहीं थे। एनी हाउ ही मैनेज, लगेज भी काफ़ी था बच्चों का, वो भी मैनेज किया गया है साथ में सारे बच्चे और टिकट्स वगैरह यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग बलदेव जी को शुक्रिया करेंगे और बलदेव जी का आगे भी सपोर्ट रहेगा। तो जब भी बच्चों का अब्रॉड जाना, तो आप यूरो एशिया सर्च करिएगा और ये आपको फेसबुक वगैरह मिलेंगे। तो आप लोग को भी कभी कोई सपोर्ट चाहिए, ट्रैवल करना हो, तो इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट जेन्युइन गाय इन दिस इंडस्ट्री, तो आपको ये पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, बाय बाय। हेलो एवरीवन, ये हम लोग मिन्स्क एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आप हमें पीछे देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ जमी है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, अभी यहां पे जो टेम्परेचर है वो -22 है। और हमारे साथ कमलेश सर भी खड़े हैं, ये आए हैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने। वैसे तो ये यूपी के हैं, अभी भोपाल में काम करते हैं। तो हम लोग और डिटेल कमलेश जी के आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट आपको एक बार हम पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाते हैं पूरा बर्फ़ से। ये देखिए पूरा ढका हुआ है और अच्छी खासी ठंडक पड़ रही, -22। जो स्टूडेंट आए थे हमने उन लोगों को भेज दिया, क्योंकि कोविड टाइम है। वो बच्चे अभी ये सामने वाली बस खड़ी है, इससे ये लोग जा रहे हैं क्वारंटाइन में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बस जो सामने है इसमें स्टूडेंट बैठ गए, तो स्टूडेंट से तो मुलाकात फिर हो जाएगी। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।